नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। वीरवार को एबीवीपी ने जड़े एक कॉलेज प्रिंसिपल पर आरोप, कहा प्रिंसिपल ने मारा है एबीवीपी के कार्यकर्ता को थप्पड़। एबीवीपी को जमकर कोसा एनएसए यूआई ने, कहा 17 अगस्त को नहीं हुई थी कोई भी धांधली, वहीं टीचर्स उलझे मीडिया से। सराज में एक और तेंदुआ ढेर, दहशत अभी भी है कायम, और भी हो सकते हैं आदमखोर तेंदुए, जनता को सावधान रहने की दी है हिदायत। और पालमपुर में बारिश की वजह से लोगों के घरों में खतरा कायम, लोग त्रस्त, प्रशासन है मस्त। 17 अगस्त को सीएससीए के चुनाव में हुई मतगणना में एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप जड़े थे कि मंत्री के इशारों पर कॉलेज प्रशासन ने धांधलियां करके एनएसयूआई को जिताया था। लेकिन वीरवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर प्रिंसिपल ने जहां थप्पड़ मारा, वहीं उन्हें गाली गलौज भी की। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप जड़े हैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने। 17 अगस्त को सीएससीए के चुनाव में हुई मतगणना में एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप जड़े थे कि कॉलेज प्रशासन ने मतगणना में धांधली की है, जिसकी वजह से एबीवीपी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह प्राचार्य के पास किसी काम से उनसे मिलने गए थे, लेकिन प्राचार्य ने आओ देखा ना ताओ बस उसे मारना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आज महाविद्यालय में मैं किसी कार्य अपने काम के सिलसिले में कार्यालय में गया था, वहाँ पे प्रिंसिपल महोदय ने पीछे से आके मेरे पर अचानक से हमला कर दिया और मुझे गाली गलौज देने लगे और मेरे लातों हाथों से मारना शुरू कर दिया। और इसमें कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के समक्ष पीटीए प्रधान भी उनके मौजूद थे, बहुत प्रमुख लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने पीटना शुरू कर दिया और गाली गलौज देना शुरू कर दिया। वहीं एबीवीपी अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने प्राचार्य पर जहां कई संगीन आरोप जड़े, वहीं उन्होंने यह भी सवाल पूछा कि क्या कॉलेज में आम आदमी अपने काम से भी नहीं आ सकता। पिछले परसों, जब परसों या चौथ दो तीन दिन पहले विद्यार्थी परिषद विरोध जता रही थी, तब भी एक भाई साहब बाहर से आए हुए थे, जो अपनी क्वेरी का समाधान कराने के लिए, अपनी मुश्किलों का निवारण करने के लिए इस ऑफिस में आए हुए थे। जब जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं कि प्रिंसिपल अंदर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आता है, उनको थप्पड़ मारता है, उनके साथ मारपीट करता है, लेकिन जब वजह पूछी जाती है तो ऐसे ही, ये तो इन्होंने मेरे को गाली दी और ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेज बताते हैं जिनका कोई मतलब इस महाविद्यालय में नहीं होता है, और बोलते हैं जी आउटसाइडर थे इसलिए थप्पड़ मारा। लेकिन मैं आज इस कॉलेज प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या इतना भी अधिकार आज आम पब्लिक का नहीं रह गया है कि इस कॉलेज का जो एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ एकेडमिक ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक तक कोई भी अटेस्टेशन के लिए आ सकता है या किसी और चीज़ के लिए आ सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ सकता है, लेकिन आज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सारा एक तरफा हुआ है और आज आम छात्रों की जो समस्याएँ हैं उनसे जो सुलझाने के लिए, जिस लिए उनको बिठाया गया है, उनको और उलझा रहे हैं। गौर है कि एबीवीपी कॉलेज प्रशासन पर धांधली के आरोप लगातार लगा रही है, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन में खासा रोष व्याप्त हो गया है। वहीं एबीवीपी अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वीरवार को जहां एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं प्रिंसिपल पर भी कई संगीन आरोप जड़े। वीरवार को पूरा कॉलेज छावनी बना हुआ था, चारों ओर पुलिस कर्मी ही नजर आ रहे थे। वीरवार को एबीवीपी द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा था, वहीं पूरे कॉलेज के प्राध्यापक एकजुट होकर मैदान में विद्यार्थियों से उलझते हुए नजर आए। हमने
एक और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से टीचर उलझते रहे और शांत करवाते रहे। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। कॉलेज कैंपस ऐसे लग रहा था कि मानो ये कॉलेज ना होकर कोई पुलिस छावनी हो। आपको बता दें कि कॉलेज के टीचर्स एकजुट होकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। एक और जहां एबीवीपी द्वारा कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं एनएसयूआई ने भी एबीवीपी को घेरते हुए कहा कि वे बेमतलब ही कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि 17 अगस्त को जो चुनाव हुए हैं उसमें कोई भी धांधली नहीं हुई। एनएसयूआई के अनुसार एबीवीपी अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहा है। इस दौरान कॉलेज में टीचर्स मीडिया पर भी भड़क उठे थे, जबकि मीडिया ने सिर्फ उनका पक्ष ही जानना चाहा था। एक और जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं से कॉलेज प्रशासन उलझता रहा, वहीं टीचर्स उस वक्त खबर बनाने गए कुछ मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए और वह यह आरोप जड़ने लगे कि मीडिया गलत खबर प्रदर्शित करता रहा है। जबकि सत्य ये है कि जब जब भी मीडिया ने कॉलेज प्रशासन पर लग रहे आरोपों पर उनका पक्ष जानना चाहा, तब तब कॉलेज प्रशासन मीडिया को दूर भगाता रहा, जबकि मीडिया अपनी ओर से कोई भी खबर नहीं लगा रहा था। अखबार में सड़क वाली लगी, अब जब पुतला जला रहे हैं बाहर, लोग देख रहे हैं, वो खबर नहीं है। सड़क लिखा है हमने, सड़क लिखा है। मेरा मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूशन गेट के अंदर वो इवेंट है, वो इंसिडेंट है। वहीं एनएसयूआई ने एबीवीपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया जो आरोप एबीवीपी लगा रही है वो सरासर गलत हैं, क्योंकि चुनाव और मतगणना निष्पक्षता से हुई है। एबीवीपी के द्वारा सीएससीए जो इलेक्शन हुए उसके बाद ही कॉलेज का माहौल खराब किया जा रहा है। सीएससीए इलेक्शन पूरी पारदर्शिता से साथ हुए है, पूरा स्टाफ मेंबर वहाँ पे मौजूद था, पूरे मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद थे, जिनके आरोप है कि इसमें कुछ धांधली हुई है। दरअसल उन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि ऊपर काउंटिंग कैसे की जाती है और किन एजेंडों को ध्यान में रख के की जाती है। वहाँ पे इनके काउंटिंग एजेंट मौजूद थे जिन्होंने उधर ही सिग्नेचर किए। अगर इनको कोई आपत्ति थी तो वो तभी उनका ऑब्जेक्शन कर सकते थे। उसके बाद इनके द्वारा लगातार ही कॉलेज का माहौल खराब किया जा रहा है, बार बार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव एक आम स्टूडेंट पर पड़ रहा है। जो आम स्टूडेंट है उसकी स्टडी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर आरोप जड़े हैं कि वे कॉलेज के माहौल को बेमतलब ही खराब कर रहे हैं, जिसका असर आम छात्रों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC, राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड, भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905
241313। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है मैं खबर खास जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की बताई, आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज, के न्यूज सबसे पहले। पालमपुर में हो रही लगातार बारिश में लोगों को मुसीबत के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर घर ढह रहे हैं। वहीं जय सिंहपुर स्टेट हाईवे का सारा पानी 23 घरों को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये घर भारी बारिश की वजह से ढहने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन हैरत कर देने वाली बात तो यह है कि विभाग ने आज दिन तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भटवारा गांव में लोग मौत के साए में जिंदगी जी रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क पर बनी पुलियों का पानी इस गांव में कहर बनकर घुस रहा है और पानी इस गांव वाले लोगों के घरों में जा रहा है। घरों में दरारें आ गई है जो कि किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। पानी अपने साथ घरों की नींव को कुरेद रहा है, जिसकी वजह से लोग दिन रात दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। नाले की जो पुलिया के आए है ये पुलिया बंद होना चाहिए थी, जिस वजह से पूरे पानी गांव का जो है इतना पानी है कि एक आटा पीसने वाली चक्की चल सकती है, इससे आटे बनना चाहिए बस। और नाली आपने देख लिया है, नाली आपने देख लिया, एक पुलिया का और दूसरी पुलिया का जो है अंतर सिर्फ 100 गज का है, मगर उन्हें जानकर जो है ये पुलिया बनाई हुई है। हमने उस टाइम भी कोशिश की, पंचायत के थ्रू मैंने कोशिश कराई थी इसको रोकने के लिए, और अधूरा काम भी पड़ा हुआ है, पुलिया बनी नहीं है, आधी बनी है, आधी वैसे पड़ी है। जी सबसे बड़ी समस्या तो ये जो ड्रेन बनी हुई है ये कंप्लीट नहीं है, और इसका जो भी पानी गांव में जा रहा है, गांव में पूरे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 23-24 घर हैं, इनमें 17-18 घर जो क्षतिग्रस्त हैं, तो इनको कई बार हमने महकमे को बताया लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, है? और इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और मौके पर आकर के आप कई महकमा भी है लेकिन वो आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। अगर कोई मर डर गया तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवार होगी। वहीं इस गांव के लोग इस बात को लेकर भी चिंतित है कि यह बहता पानी इनकी फसलों को भी तबाह कर रहा है। भटवारा गांव वालों का कहना है कि कई बार एसडीएम और सड़क विभाग को लिखित रूप में बताया गया है लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन पर उतर कर चक्काजाम करेंगे। ये कि सबसे ज़्यादा जो ड्रेन बनी हुई है पानी निकलने के लिए, उसमें कोई बीच में पोर्शन छोड़ दिया है, वो पानी यहाँ खेतों में जा रहा है। ये नहीं कि पूरे गांव को पानी में खड़ा मकान यहाँ ये ड्रेन निकालेगी पानी निकलने के लिए, नहीं तो खड़ा रह जाए। समस्या भैया है पानी, ये नाली बंद होना चाहिए, पुली निकलता जाए तो पानी है, नाली बनना चाहिए ऊपर, कने पुली बंद होना चाहिए, है बड़ा नुकसान है इसका लाड़े का, इतना ना नुकसान हो तो छली आई कणक नहीं होगा दी, कने घर आए पानी लगा रहा मुल्ख। वहीं इस सारी समस्या से उलझते हुए इन लोगों को तकरीबन 2 साल हो गए हैं लेकिन आज दिन तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक सोता रहेगा प्रशासन और लोग कब तक दहशत के खौफ में जीते रहेंगे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। प्रदेश के अग्रणी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक केसीसी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन पदों के लिए जहां दोनों ही दलों के नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ जाकर अपनी अपनी जीत का दावा करने में भी दिखाई दे रहे हैं।
हमीरपुर कोऑपरेटिव कार्यालय में वीरवार को सुबह से ही डायरेक्टर के पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू रहा, जिसमें वीरवार की सुबह सुजानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में आकर नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया व पूर्व केसीसी चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। नगर पंचायत सुजानपुर के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा कि डायरेक्टर चुनावों के लिए उन्हें 140 सोसाइटी के सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ है और प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि डायरेक्टर पद के लिए विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित किया गया है। मैं लोगों के घर घर गया और 145 जो वोटर हैं उनसे संपर्क किया और उनके आशीर्वाद से आज मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैंने अपना नामांकन अपने समर्थकों से किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं भारी वोटों से जीतूंगा और लोगों की जो भी सेवाएं हैं उसके लिए मैं अच्छा उतरने का प्रयास करूंगा। उधर पूर्व केसीसी चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने कहा कि पहले भी बैंक के चेयरमैन के तौर पर बेहतर कार्य कर चुके हैं और इस बार भी उन्हें मौका मिलता है तो वह जरूर चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि लोग इस बार भी मौका देकर डायरेक्टर के पद पर बिठाएंगे। 2008 से लेकर 2013 तक मैं इस बैंक का चेयरमैन रहा हूँ और इस समय अवधि में बैंक ने नई बुलंदियों को छुआ है। हर ब्रांच को सीबीएस किया है, हर ब्रांच वातानुकूल की है और जो इसका डिपॉजिट था वो 3,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,500 करोड़ तक पहुंचाया है। 400 लोगों की नई भर्तियां की हैं, 600 लोगों की पदोन्नति की है और इस दौरान इस बैंक को अच्छे काम के लिए 7 बार सम्मानित किया जा चुका है। भविष्य में अगर मैं ये चुनाव अपने जितने भी यहाँ इस जोन के वोटर बने हैं उन्हें के अनुरोध पर इस चुनाव को लड़ रहा हूँ, मुझे भारी समर्थन लोगों से मिल रहा है, पार्टी का जनादेश मेरे साथ है और सभी मतदाताओं का जनादेश भी मेरे साथ है और मैं इस चुनाव को भारी मतों से जीतूंगा। गौरतलब है कि सुजानपुर, भोरंज और हमीरपुर से डायरेक्टर पद के लिए आवेदनों में अब 2 कांग्रेस कुलदीप सिंह पठानिया व मनोज ठाकुर कांग्रेस से संबंधित है जबकि रसील सिंह मनकोटिया भाजपा उम्मीदवार है। अब देखना यह होगा कि डायरेक्टर के पद पर कौन काबिज होता है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय डायरेक्टर के चुनाव से राजनीति पूरी तरह चरम पर है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है, तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र ना करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास, क्योंकि यहां होती है सिर्फ और सिर्फ सच की बात। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़। के न्यूज़।
दरंग स्थित नाला महाविद्यालय में केंद्रीय छात्र संगठन NSIUI ने अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न DJ की धुन पर थिरक कर मनाया। NSIUI की ओर से आयोजित फेयरवेल पार्टी में कॉलेज की छात्राएं DJ की धुन पर खूब थिरकी। इस मौके पर NSIUI के चुने हुए नुमाइंदों ने विश्वास दिलाया है कि वे जल्द ही कॉलेज में साइंस और कॉमर्स की क्लास स्टार्ट करवाएंगे। दरंग स्थित नरला महाविद्यालय में केंद्रीय छात्र संगठन NSUI ने अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न DJ की धुन पर थिरक कर मनाया। इस पार्टी में छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। पार्टी के शांतिपूर्वक और सफल आयोजन को लेकर जिला के वरिष्ठ NSUI पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय छात्र संगठन के नव निर्वाचित अध्यक्ष लेखराम ने कहा कि NSUI को समर्थन देने और जीत की खुशी में आयोजित की गई फेयरवेल पार्टी का माहौल शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पूरे पैनल की ओर से कॉलेज के सभी छात्रों का आभार प्रकट किया। मांगी रखी हुई थी उनको हम बहुत जल्द अगले स्तर से ही शुरू कर देंगे। जो साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं बैठाने की हमने मांग की हुई है वो अगले स्तर से शुरू हो जाएगी। आज हमारी जो है DJ पार्टी SC की कुछ में जो DJ पार्टी आज हमने रखी हुई है वो बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ से बीत गई है। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो हमारे सीनियर वर्कर यहाँ पर आए हुए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं उपाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि कॉलेज के छात्रों ने विकास के नाम पर NSUI को जो समर्थन दिया है उसकी कसौटी पर पूरा पैनल खरा उतरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं भी शुरू करवाने के लिए NSUI अपने प्रयास सिरे चढ़ाएगी। विद्यार्थी परिषद को कड़ी मात दी है और 7-0 से ABP को मात दी है और NSUI के सातों सीटें निर्विरोध जीत चुकी हैं के लिए मैं सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूं और साथ ही NSUI के सभी जो सीनियर वर्कर्स हैं उन सभी का भी मैं यहां आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस चुनाव में हमने मांगी रखी हुई थी कि अगले साल से ही हम कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं शुरू करेंगे उसके लिए भी हम यथासंभव प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द अगले साल से ही कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं शुरू करेंगे। उधर वरिष्ठ NSUI नेता सुरेश कुमार ने कहा कि NSUI कॉलेज की तमाम समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह ठाकुर के माध्यम से करवाएगी। एक नवनियुक्त CSC का एक डेलीगेशन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह से मिला तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि सरौंच की जो बस सेवा है वो 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। वो NSUI के लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने NSUI की बात पूरी की है। इसके अलावा जो साइंस और कॉमर्स कक्षाएं शुरू करने की बात की है यह भी ठाकुर कौल सिंह जी ने विश्वास दिलाया है कि अगले सत्र से इस महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स कक्षाएं शुरू की जाएगी। और मैं आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे प्रदेश में NSUI प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है। इसे साफ जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियां युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। जो भी हिमाचल सरकार ने युवाओं के प्रति जो नीति अपनाई है वो युवाओं के लिए हितैषी है, युवाओं के साथ है। इसीलिए युवाओं ने इस बार छात्र संघ के चुनावों में NSUI को भरपूर समर्थन देकर यह जिताया है कि 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हो गए कांग्रेस की चारों सीटें विजय हो। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1 सितंबर से इलाका सरौंच के छात्रों को भी बस सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नारला कॉलेज में अभी तक कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं लागू नहीं हो पाई है जिसकी वजह से विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ठाकुर कौल सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कॉलेज में कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं लागू हो जाएगी। के न्यूज के लिए पद्धर से DD राणा के साथ KK शर्मा की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज के साथ।